Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हो आईडी एडवाइज ऑफिशियल YouTube चैनल। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी जो है इंग्लिश की जो है स्पीकिंग वो बहुत ज्यादा अच्छी हो और अच्छे से इंग्लिश में बात करता हूं। तो किस तरीके से होता है, जो सबसे पहले सबसे अच्छे तरीका जो है वो प्रैक्टिस है, यानी आप जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जो है आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी नहीं है कि वो उसके साथ आप प्रैक्टिस करें और आप अपने जो है इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल सही करें, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के बाद जो है आपने यहाँ पर जो है सर्च करनी है, यहाँ पर सर्च कर दीजिए Cambly। तो आपने सर्च करनी है Cambly यहाँ पर, और यहाँ पर जो है यही आपका इंग्लिश टीचर है Cambly ऐप। इससे क्या होगा कि इससे जो है आप इसको इंस्टॉल करके आप जो है किसी भी इंग्लिश की जो है टीचर से आप बात कर सकते हैं और आपकी जो है इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश स्पीकिंग जो है बिल्कुल अच्छी हो जाएगी बिल्कुल कम दिनों में। तो आपने क्या करना है कि जल्दी से जाना है और Cambly ऐप को इंस्टॉल करना है। ये आपको जो है कुछ दिन फ्री में देता है, तो आप इसके जो है प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा है, तो फिर आप इसे पेड भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है फ्री में भी इसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और आपका जो है इंग्लिश बिल्कुल रवानी के साथ आप बोल पाएंगे और आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ दिनों में आप लोग कहेंगे कि आप यार आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी, तो आप ये जो है यहाँ से बिल्कुल आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं और किसी से भी वीडियो कॉल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। अगर आप अमेरिकन जो है चाहते हैं या ब्रिटिश चाहते हैं, जो भी इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एड वाला सब्सक्राइब को जरूर भी ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। फ़कीर ने कहा कि अल्लाह के नाम पर जो है कुछ दे दो, 10 रुपये दे दो बाजी। तो औरत ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मांगते हुए? फ़कीर ने कहा दे दो बाजी, वरना मैं मुझे मजबूरन ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिसके ख्याल से ही मुझे जो है मेरी रूह काँप जाती है और मेरे जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो औरत बेचारी खूबसूरत हो गई और उसे 10 रुपये दे दिए और डरते डरते पूछ लिया कौन सा काम बाबा जी? तो फ़कीर ने बताया मेहनत मजदूरी।